हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लिए होंगे, तो ऑलमोस्ट आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एज अ सब्जेक्ट तो कवर हो गया होगा। और अब हम जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस में, हम वो देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का है, जिसमें हम पढ़ेंगे एच लीजिंग एंड हायर परचेज। तो सबसे पहले हमने सिलेबस देखते हैं, तो हमने देख लिया था कि हमने ये जो चार टॉपिक्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम कवर कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को, राइट। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम ये तीन को कवर कर चुके हैं और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो कवर करेगा 14 और 15 को, ठीक है। सबसे पहला था लीज फाइनेंसिंग को जानते हैं क्या। देखो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी जो कि ओनर है किसी एसेट की, वो दूसरे पार्टी को एक राइट देती है अपने एसेट को यूज करने के लिए इन रिटर्न कि उसको पीरियोडिकली पेमेंट मिलती रहे। सिंपल सी बात है, जैसे आपके पास कोई मशीनरी थी, आपने वो खरीदी है, आप उसको आगे रेंट पे दे रहे हैं और आपको उसका रेंट मिल रहा है। जैसे आपने किसी को एक साल के लिए दे दिया, तो एक साल तक आपको उसका पेमेंट मिलती रहेगी और एक साल के बाद आप अपने एसेट को वापस ले लेंगे, ठीक है। तो जो ओनर होता है एसेट का वो राइट टू यूज देता है इन रिटर्न फॉर पीरियडिक पेमेंट। सो इट इज सिंपली रेंटिंग एन एसेट, ठीक है। और जो रेंट करता है यहाँ पे उसको लेसर बोलते हैं, जो कि ओनर है, और जो लेता है उसको लीजी बोलते हैं, ठीक है, लेसी। और जो पेमेंट मिलती है उसको बोलते हैं लीज रेंटल, ठीक है। फिर हमारा आता है कि इसके फीचर्स क्या हैं। देखिए जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है पहले तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है, कितने साल के लिए दे रहे हैं, क्या है, और जब आपका पीरियड खत्म हो गया एसेट को रिटर्न कर दिया जाता है। ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, तो लोग यही सोचते हैं कि खरीदने की बजाय तो रेंट पे ही ले लें और जब नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसको वापस कर देंगे और वो दूसरा ले लेंगे, ठीक है। सो जब आपको लीज करनी है तो ये ज़रूर देखना है आपको कि आपको कॉस्ट ऑफ लीजिंग क्या आ रही है और कॉस्ट ऑफ ओनिंग क्या पड़ेगी। मतलब कि जैसे आपको खरीदने में कोई चीज़ 100 रुपीज़ की पड़ रही है, अब आपने कोई चीज़ लीज पे ले लिया है 10 सालों के लिए, तो आपने देखना है कि जो 10 सालों के लीज की जो रेंटल पेमेंट है वो 100 रुपीज़ है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर ही आप डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है लेसर्स। लेसर्स कौन होते हैं, हमने बोला था जो ओनर्स होते हैं एसेट्स के, ठीक है। फिर कौन होते हैं, तो जैसे कुछ तो कंपनीज ही होती हैं लीज बिजनेस में ही जो इन्वॉल्व होती है, उनका काम ही होता है एसेट को लीज के ऊपर देना। फिर बैंक्स वगैरह भी होती है, तो 1994 से इवन RBI ने बैंक्स को भी अलाउ कर दिया कि वो लीजिंग एक्टिविटी में ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। लेकिन ये नॉन बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर कैटेगराइज होती है। फिर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जैसे कि ICICI, ये भी लीजिंग के ऊपर आपको दे देती है। मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो कि जैसे हमने बोला कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, कोई कुछ है, वो खुद ही लीज पे दे देते हैं अपने सामान को, राइट। फिर आता है हमारे लेसेस के, ज़्यादातर कौन लेते हैं, तो जैसे कि PSUs हैं वो ले रहे हैं या फिर कोई मिड मार्केट कंपनीज हैं जिनको लगता है कि लीज फाइनेंसिंग ज़्यादा बेटर है कि आप लोन लो फिर एसेट खरीदो, तो उससे बेटर है कि आप लीज फाइनेंसिंग ले लो। कंज्यूमर्स भी हैं जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, जैसे आपने कार लीजिंग काफ़ी डोमिनेंट है कि आपने कार ले ली लीज के ऊपर, आपने चलाई फिर उसको वापस कर दिया, फिर नई गाड़ी ले ली, कुछ भी ऐसा। इवन गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ कर रही है, टेंडर्स भी निकाले हैं गवर्नमेंट 1000 करोड़ के टेली कम्युनिकेशन में, ठीक है। फिर आता है मेरिट्स क्या है लीज फाइनेंस के। देखो एक तो ये कि टैक्स बेनिफिट, ये आपका एक एक्सपेंडिचर है तो आपको इसके ऊपर टैक्स का फायदा मिल जाता है। फिर जो ओनर है उसको अपनी ओनरशिप भी नहीं डाइल्यूट करनी पड़ती है, वो ओनर रहता ही है। फिर जो लेसी है उसको भी लोअर प्राइस के ऊपर एसेट मिल जाता है, तो उसका भी बढ़िया हो जाता है। फिर यही है कि लोन लेकर एसेट लेने से तो अच्छा ही है कि आप सिंपल लीज पे ले लो, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी आसान हो जाती है। फिर अब जो लेसर है रिस्क ऑफ ऑप्शनल्स कि वो आउटडेटेड हो जाएगी चीज़, तो वो लेसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता, वो चीज़ आउटडेटेड होगी तो वो लेसर के ऊपर है, हम तो नया एसेट ले लेंगे जो लेसी है। फिर लीज एग्रीमेंट जो डेट रेजिंग कैपेसिटी को भी अफेक्ट नहीं करता, आपने लीज पे रह कोई चीज़ रेंट ले लिया, आपको लोन लेके फिर कुछ और करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कई केसेस में ये हो सकता है कि अगर आपने देखा नहीं लीज एग्रीमेंट सही से, तो आपके कॉस्ट से ज़्यादा ही आपका ज़्यादा पे आउट ऑब्लिगेशन पड़ गया है। फिर यही है कि आपकी जो अगर आपने कोई लीज लिया था और उसके बेसिस के ऊपर कोई काम कर रहे हो, वो एसेट जो ओनर है वो आ गया, उसने लीज खत्म हुई अपना एसेट वापस मांग लिया, अभी आपको वो एसेट की ज़रूरत थी, तो आपकी एक्टिविटीज़ वो भी हैम्पर हो सकती हैं, ठीक है। कुछ आपके वो यूज़ के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि ऐसे नहीं यूज़ करना, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है।
और जो लेसी है वो कभी भी सारा पैसा देने के बाद भी वो ओनर नहीं बनता है, तो उसको कोई फायदा नहीं होता रेजिडुअल वैल्यू का। रेजिडुअल वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन के बाद, लगाने के बाद जो भी अगर कोई वैल्यू सैलवेज वैल्यू बचती है एसेट की, वो तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता बिकॉज वो ओनर नहीं है इस चीज़ का, राइट। फिर हमारे आते हैं कि टाइप्स क्या है लीज एग्रीमेंट के, दो दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, नेचर के ऊपर या फिर मैथड क्या है। नेचर के ऊपर ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल, मैथड में है डायरेक्ट सेल या लीवरेज लीज, राइट। सबसे पहला है फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज को कैपिटल लीज भी बोलते हैं। इसमें आपने लीज कर दी तो वो नॉन कैंसिलेबल है। एक बार आपने किसी को दे दिया, जैसे कि अगर 5 साल के लिए एसेट दे दिया, तो अब वो 5 साल के लिए फिक्स हो गया, वो कैंसिल नहीं कर सकता। उसको चाहे वो एसेट चाहिए या नहीं चाहिए, उसको रेंट पे करना ही पड़ेगा एक्सपायरी तक, ठीक है। तो ये नॉर्मली जितना यूजफुल लाइफ होता है एसेट का, उतने टाइम के लिए दिया जाता है, राइट। ऑपरेटिंग लीज इसका अपोजिट है कि ये शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, ये कैंसिलेबल भी है। इसका नाम है ओपन एंड लीज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो इसको जो लाइफ टाइम है वो भी शॉर्ट होता है इससे, और इससे यही है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट लीज में रिकवर नहीं होते, बिकॉज कभी भी कैंसिल हो सकता है। फिर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, एक एसेट आप 10 साल के लिए यूज़ कर रहे हो लेकिन आपने उसको लीज पे दिया है 5 साल के लिए, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं रिकवर हो रही है फर्स्ट लीज पीरियड से। एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे कि कॉपिंग मशीन है, कंप्यूटर के हार्डवेयर है, एटसेट्रा। फिर है हमारा डायरेक्ट लीज। डायरेक्ट लीज में क्या है कि जो फर्म है वो डायरेक्टली ओन कर लेती है, जो लीजिंग डायरेक्ट लीजिंग क्या करती है, वो ये उसको एक्वायर कर लेती है एसेट को डायरेक्टली। जैसे कि उसने मैन्युफैक्चरर से ले लिया या फिर उसने किसी थर्ड पर्सन से लिया है, पहले उसको दिलवा दिया फिर उससे उसने लीज पे ले लिया, ठीक है। फिर आता है सेल एंड लीज बैक। सेल और लीज बैक में क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि वो पहले एसेट को बेच देती है दूसरे पार्टी को, फिर उसकी जो है लीज पे ले लेती है, ठीक है। तो उसको क्या मिलता है, उसको कैश प्राइस मिल गया और फिर उसने उसको वो यूज़ भी कर लिया बेची हुई चीज़ को, तो बेच लिया फिर आपने लीज पे दोबारा ले लिया। फिर नेक्स्ट टाइम हमारा लीवरेज लीजिंग। लीवरेज लीजिंग में क्या होता है कि जो लेसर है वो ओनरशिप रखता है 25% का, और जो बाकी का पोर्शन है वो कोई थर्ड पार्टी लेंडर है वो प्रोवाइड करता है। मतलब ए है, बी है और सी है, ये एसेट है, इसने 25% दिया, इसने 75% दिया और फिर सी ने इन दोनों से मिलकर लीज को ले लिया है। ये बड़ी चीज़ों में होता है जैसे कि एयरक्राफ्ट है और रिक्शा, रेलवे इक्विपमेंट्स है हमारे, तो जो इस तरह की लीजिंग में इसलिए एक और पर्सन इन्वॉल्व हो गई, लेसी, लेसर और लेंडर। ये जो नया बंदा है ये है हमारा लेंडर, ठीक है। ये बाकी केसेस में हमने देखा कि जो भी स्टोरी थी वो ए लेसर और लेसी के बीच में थी, लेकिन इसमें एक नया है लीवरेज लीजिंग में, राइट। फिर हम देखते हैं हायर परचेज, जो हमारा कंपैरिजन है। हायर परचेज क्या होता है, बेसिकली आप इसमें क्या कंज्यूमर गुड्स को, नॉर्मली जो एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड्स है वो लेते हैं। जैसे आपने इसमें क्या करना है, जैसे आप नॉर्मली कार लोन पे ले लेते हैं, तो वो हायर परचेज का एग्जांपल है। आपने इनिशियल डाउन पेमेंट कर दिया और जो बैलेंस है आप वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो इसमें आपकी ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं हो जाती है जब तक कि सारी पेमेंट नहीं हो जाती है। हायर परचेज जो वर्ड है ये ज़्यादातर यूज़ होता है यूके में, और एक और इसका नाम है जो है इंस्टॉलमेंट प्लान, जो कि यूएसए में यूज़ होता है। फिर इसके फायदे क्या है, देखिए यही है कि अगर आपको कोई कार 10 लाख की मिल रही थी, तो अब आपने जो है डाउन पेमेंट कर दी 1 लाख की और बाकी का पेमेंट आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर देंगे। तो आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप कोई चीज़ ले सकते हैं। फिर ये है कि आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद आप ओनर बन जाते हैं उस एसेट के, जैसे कारों में होता है। फिर आपको ये है कि आपको इमीडिएट यूज़ करने को मिल जाता है, ना कि आप उसके लिए सेव करें। जैसे कार है 10 लाख सेव करोगे फिर कार लोगे, बल्कि आपने 1 लाख दे किया और आपको इमीडिएटली कार मिल गई यूज़ करने के लिए। थोड़ा आसान भी है, फाइनेंस करने का तरीका भी है, जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी फिक्स्ड होता है। जैसे कि हमने बोल दिया कि हमने 7% के ऊपर ले लिया लोन, तो वो फिक्स है हमारा। तो नॉर्मली ये क्या करते हैं कि आप जो है फिक्स टर्म होती है ये, ठीक है, उसके लिए होता है ये। फिर आता है डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए हायर परचेज क्या है, अब यही है आपका कि जब आपके पास पैसा नहीं है वापस करने के लिए, तो आपको वो एसेट भी यूज कर लेगा। जैसे बैंक है, आपने कार लोन पे नहीं किया, कोई शायद कार को जब्त कर ले, ठीक है। आपको इन टोटल ज़्यादा भी पे करना होता है। अब हमारा आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको दोनों मिलाकर ज़्यादा वैल्यू है कि जो आप ऑन द स्पॉट पे करोगे, ठीक है, राइट, वहीं पर परचेज कर लोगे। फिर ये है कि आप ऐसा जब तक ऑन नहीं करते जब तक कि आपने लास्ट वो ना कर दिया हो। फिर ये फ्री भी नहीं होते हैं, आपको काफ़ी खर्चा भी एक्स्ट्रा ही लगता है। फिर कई बार ये होता है कि जब आपने एसेट लिया है वो बीच में चोरी हो गया, कुछ हो गया, अब आप ओनर भी नहीं हो तो आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हो।
इस चीज को बोलते हैं गैप इंश्योरेंस, या तो आपको गैप इंश्योरेंस नया लेना पड़ेगा उस टाइम को सिचुएशन कवर करने के लिए, तो इससे आपकी जो कॉस्ट है वो और बढ़ जाएगी, राइट। फिर आए हमारा डिफरेंस क्या है हायर परचेज और लीजिंग के बीच में। सबसे पहले लीजिंग ओनरशिप की बात करें, तो जो फाइनेंस कंपनी वो लेसर जो होता है वो ओनर होता है। हायर परचेज में ओनरशिप आपकी ट्रांसफर होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। डेप्रिसिएशन जो लेसर है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता है हायरर में, उसको भी मिल जाता है डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड का जो है वो कर सकता है। कैपिटलाइजेशन है कि ये लेसर की बुक्स में ही वो एसेट बनता है, इसमें जिसने खरीदा उसकी बुक्स में ये एसेट बन जाता है एज लॉन्ग एज उसको पे करता रहे, ठीक है। आपकी जो लीज पेमेंट है वो आप खर्चे को तो यूज कर सकते हैं, इसमें आप इंटरेस्ट को खर्चा दिखा सकते हैं। फिर ये जो लीजिंग होती है ये बहुत हाई कॉस्ट एसेट्स के लिए अप्लाई होती है, और जो हायर परचेजिंग है वो छोटे मोटे एसेट्स के ऊपर होती है हमारी जो अप्लाई है। मेंटेनेंस है कि इसमें अब जो ओनर है वही करेगा, हमारा हायरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मेंटेन करने के लिए। एसेट फिक्स्ड एसेट है लेसर के लिए, और ये जो हायर परचेज है वो एसेट उसका स्टॉक भी हो सकता है, रिसीवेबल्स भी हो सकता है, ठीक है। डाउन पेमेंट लीज के केस में कोई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे करने की जरूरत होती है, राइट। अब हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन वन है, वन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज इज दैट। अब हमने फाइनेंशियल लीज में देखा था कि ये लॉन्ग टर्म होता है, नॉन कैंसिलेबल होता है, ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म होता है, ये कैंसिलेबल हो जाता है। तो हमारा डिफरेंस क्या है, पहला तो यही है ये कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन मतलब वो जब मर्जी चाहे ले सकता है तो वो नहीं होगा। ऑप्शन टू बाय लीज में तो ऑप्शन टू बाय वैसे ही नहीं होता है। ऑपरेटिंग लीज इज ऑफन कैंसिलेबल बाय द लेसी, राइट। और ये रॉन्ग, तो हमारा जो आंसर है वो है सी। फिर है द प्रिंसिपल रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लीजिंग इज दैट, लीजिंग एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है। इंटरमीडिएट लोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, ऐसा तो कुछ नहीं है। टाइप ऑफ फाइनेंसिंग अनअफेक्टेड बाई चेंजेस इन लॉ, ऐसा ही नहीं है। अगर आपके एक्सपेंसिस के ऊपर छूट नहीं मिलेगी तो आप क्यों लेंगे। कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स डिराइव डिफरेंट बेनिफिट्स फ्रॉम ओनिंग एसेट्स, हाँ इनको ऑब्वियसली अब आप ओन कर रहे हो, लीज कर रहे हो तो आपको उसका रेंटल मिल रहा है। और लीजिंग इज रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल जैसा तो कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है हमारा द टाइप ऑफ लीज डैट इंक्लूड्स अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हमने कहाँ देखा था, जहाँ पे ए था, बी था और सी था, तो ये हमारी थर्ड पार्टी थी। तो ये कहाँ पे था, ये लीवरेज लीज में था हमारा, तो आंसर है सी, राइट। पार्टी हु ओन्स अ लीज्ड एसेट इज कॉल्ड ओनर, हमने देखा था कौन होता है, लेसर होता है। अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम ऐसा तो कुछ है नहीं, क्रेडिट में नो, हायर परचेज यस, कैश सिस्टम है तो ऑन द स्पॉट ही हो जाता है, ठीक है। अंडर हायर परचेज सिस्टम द बायर इज कॉल्ड, यहाँ पे जैसा नाम है वही वैसे ही बने हुए हैं। तो बायर कौन होता है, जो सेल होती है। हायर वेंडर कौन है, जो कि हायर सेल कर रहा है। डेटर कौन है, जो कि उधारी लेता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हायरर। अंडर हायर परचेज सिस्टम रिलेशनशिप ऑफ हायरर एंड हायर वेंडर इज बायर एंड सेलर, बायर और सेलर कुछ कर नहीं रहे हैं, बेलर एंड बेली का होता है बेसिकली। बेलर वही होता है जिसने कोई चीज जो है आपको रेंट पे दे दिया है और फिर वो आप जो है उसको ओन कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉनर होता है जहाँ पे आपने कुछ मॉर्टगेज कर दिया, आपने खुद की चीज गिरवी रखी है, वो वाला होता है। डेटर और क्रेडिटर नहीं होता है, तो हमारा जो आंसर है ये है। इसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। अंडर हायर परचेज सिस्टम इफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड द हायर वेंडर हैज अ राइट टू रिपोजेशन ऑफ गुड्स, से हमने देखा था कि अगर आपने कार लोन लिया है, आपने इंस्टॉलमेंट में पे नहीं किया, तो जो बैंक है वो उसको रिपोजेस कर सकता है, आपकी कार को जब्त कर सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर लीजिंग और हायर परचेज के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई टॉपिक को उठा सकते हैं, या फिर हम इसी को कुछ कंटिन्यू करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल कमर्शियंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए वीडियोज़ को। So that we can spread knowledge in the world, because sharing is caring. Thank you.